जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार द्वारा आधार पैन लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च से 30 जून 2023 तक 3 महीने बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT की घोषणा के अनुसार सभी अनलिंक किए गए पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे पता करें कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए 1000 रुपये की पेमेंट कैसे करते हैं और पेमेंट करने के बाद आप अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड के साथ लिंक करने की रिक्वेस्ट कैसे UIDAI को भेजेंगे। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड के साथ लिंक है या नहीं, तो बहुत ही आसानी से आप इसका पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पैन आधार लिंक। जैसे ही आप पैन आधार लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट रिप्रेजेंट हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है लिंक आधार यूज़र मैनुअल पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जंप कर जाएंगे और यहाँ पर आपको होम टैब पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई देगा लिंक आधार स्टेटस, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपसे कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा, जैसे आपका पैन कार्ड नंबर और आपका आधार नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर टाइप कर देना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे आपको आधार नंबर भी डालना पड़ेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा व्यू लिंक आधार स्टेटस। इस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके की एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ योर पैन नंबर ये इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार नंबर इज दिस। तो यानी कि ये मैसेज अगर आपको रिप्रेजेंट होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक्ड है। और अगर आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो किस तरीके का मैसेज आपको दिखाई देगा, मैं एक दूसरा आधार कार्ड और पैन कार्ड डाल करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरा आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। पैन कार्ड डालने के बाद यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देता हूँ और उसके बाद वापस से आपको इसी बटन पर फिर से क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके का मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कि पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार, प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक टू लिंक योर आधार विथ पैन। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है आधार विथ पैन लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। हम इस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर इसकी वेबसाइट का वेब पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको होम टैब पर क्लिक करना है। होम पेज पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तीसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लिंक आधार। बेसिकली लिंक आधार स्टेटस की वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आपका आधार आपके पैन कार्ड के साथ लिंक है या नहीं। तो इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके इसको चेक कर सकते हैं। हम इस वीडियो में केवल सीखेंगे कि आप किस तरीके से अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। तो आपको इस तीसरे नंबर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने तीन प्रोसेस हैं, इन तीनों प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना होगा। नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा और यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा। तो हम फटाफट इसे डाल लेते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद राइट साइड में आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा वैलिडेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगी, जिसमें आपके सामने नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, यानी कि आपने अभी तक कोई पेमेंट इसकी नहीं की है इसको लिंक करने के लिए। तो यहाँ पर आपको इसकी नोटिफिकेशन को रीड करके नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिर से फिल करना होगा। तो हम फिर से वापस पैन कार्ड नंबर फिल कर लेते हैं।
पैन कार्ड नंबर को फिल करने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको मोबाइल नंबर फिल करना होगा। तो आपको ध्यान रहे यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड से आपके लिंक है। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है और नीचे की तरफ आप देखेंगे आपके सामने कंटिन्यू का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास 15 मिनट का टाइम रहेगा। फिल किए गए नंबर पर आपको OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो हम फटाफट OTP फिल कर लेते हैं। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पैन कार्ड नंबर और आपका नाम यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा। अगर आपका पैन कार्ड नंबर और आपका नाम बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर फिर से क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इनकम टैक्स वाला। यहाँ पर प्रोसीड का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने असाइनमेंट ईयर आपसे मांगेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे टॉप पे आपको 2023 से 24 का असाइनमेंट दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो 2022 से 23 और सिलेक्टेड असाइनमेंट ईयर आपका 2023 से 24 आपको दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आप देखेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा अदर सिप्ट 500 का, तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। कंटिन्यू ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे आपका जो पेमेंट होगा 1000 रुपीज़ का वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर सीधे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ध्यान रहे अगर यहाँ पर आपका अमाउंट जीरो आ रहा है तो इसको वापस से आप 1000 टाइप कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर पेमेंट्स के मेथड आ जाएंगे कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, पेमेंट बैंक काउंटर के थ्रू करना चाहते हैं, या RTGS या NEFT के थ्रू करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर सबसे अच्छा मेथड जो है पेमेंट का वो होगा आपका पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे से आप यहाँ पर फ़ोनपे पेटीएम का यूज़ करके बहुत आसानी से इसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे में आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर दो बैंक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बेसिकली आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप कोटक बैंक को सिलेक्ट करें क्योंकि इसकी सर्विस थोड़ी सी अच्छी है और इसकी सर्विस थोड़ी सी फास्ट भी है। तो यहाँ पर हम कोटक बैंक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पर वापस से क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आप जाकर देखेंगे तो आपका फिर से टोटल अमाउंट दिखाई देगा आपको 1000 रुपीज़ का, जिसका आपको पेमेंट करना है। नीचे की तरफ आपको पे नाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, इनको आपको रीड करना है। रीड करने के बाद यहाँ पर आपको एग्रीमेंट को सिलेक्ट करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट टू बैंक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका कोटक का जो बिल डेस्क था वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक से लिंक हो या जिससे आप पेटीएम या फोनपे चलाते हैं। आपको वो नंबर और मेल आईडी आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर फटाफट अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा आई हैव अंडरस्टूड का और टर्म्स एंड कंडीशंस का। तो इस वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है, ऊपर वाले ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना। और नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा प्रोसीड का एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड दिखाई देंगे पेमेंट के, जिसमें से आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, अगर आपको UPI से करना चाहते हैं पेमेंट तो वो कर सकते हैं, और या फिर QR के थ्रू करना चाहें तो QR कोड के थ्रू भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा मेथड मुझे UPI लगता है, तो मैं यहाँ पर UPI को सिलेक्ट करूँगा। UPI को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे UPI आ जाएंगे, जैसे गूगल पे, भीम UPI, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेजोन पे और अदर VPA। तो बेसिकली मुझे जो सबसे अच्छा मेथड लगता है वो फ़ोनपे का लगता है, तो मैं यहाँ पर फ़ोनपे को सिलेक्ट करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपना UPI डालना है, तो फटाफट मैं अपना UPI डाल देता हूँ। UPI को फिल करने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट फॉर 1000 का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने 5 मिनट का टाइम होगा। 5 मिनट के अंदर आपको अपने फ़ोन पर जाना है, अपना फ़ोनपे लॉग इन कर लेना है, या जो भी आपको मैसेज भेजा गया है फ़ोनपे की तरफ से उस पर आपको क्लिक करना है। उस रिक्वेस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का पेमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, टिन नंबर का और 1000 रुपीज़ का। यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है। पे बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ फिर से आपको पे का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो पेमेंट था वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको PDF यहाँ पर मिल जाएगा। इस PDF पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपका जो पेमेंट था वो यहाँ पर कर दिया गया है। अमाउंट की अगर हम बात करें तो 1000 की जो हमने पेमेंट की थी वो पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है।
मगर अगर आप ये सोचेंगे कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो चुका है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इसकी पेमेंट आपने की है। पेमेंट करने के बाद आपको फिर से उसी ऑप्शन पर फिर से जाना है और फिर से वही स्टेप दोबारा से रिपीट करना होगा और वहां पर आपका यह अमाउंट रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। उसके बाद आप यह पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। आपने अगर अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए जो पेमेंट की है, उस पेमेंट का आगे का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से करते हैं, तो आपको वापस से गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको फिर से आधार विद पैन लिंक पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वापस से होम बटन पर क्लिक करना है। होम बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, लिंक आधार का। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ पैन कार्ड और आधार कार्ड ये दोनों नंबर आपको दोबारा से फिल करने होंगे। तो हम फटाफट इसे फिल कर लेते हैं। दोनों ही नंबर फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर आपका चालान रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी जो आपने पेमेंट की थी 1000 रुपीज़ की वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें आपका चालान अमाउंट, चालान सीरियल नंबर, BSR कोड और डेट ऑफ पेमेंट, ये चारों चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको सीधे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका नाम मांगेगा जो कि आपके आधार कार्ड पर है, तो आपको यहाँ पर वही नाम डालना है जो कि आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक है। यहाँ पर आपके सामने दो नोटिफिकेशन आएंगी, इन दोनों नोटिफिकेशन पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने लिंक आधार का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन पर फिर से एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है और बेसिकली उस OTP का जो टाइम होता है वो 15 मिनट का होता है। 15 मिनट के बाद वो बेसिकली एक्सपायर हो जाता है और OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर सक्सेसफुली सेंड की जा चुकी है UIDAI को, यानी आधार कार्ड का जो डिपार्टमेंट है उसको आपका जो रिक्वेस्ट है आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक करने का, वो रिक्वेस्ट यहाँ पर सक्सेसफुली भेज दी गई है। आपको कुछ दिनों के बाद यानी 3 से 4 दिनों के बाद वापस से इसी वेबसाइट के होम पेज पर आना है और वापस से लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके आपको ये चेक कर लेना है कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक हो गया या नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।